जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 1:18 हुई है और आज संडे है और 10 मई है, संडे है। 1:18 आपके सामने टाइम हुए और कल हमारा मार्केट मंडे को खुलेगा। तो आज जैसे संडे है, आज सुबह से एक भी वीडियो नहीं बनाया था, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए आपके व्हाट्सएप में। मुझे लगता है आप लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ व्हाट्सअप नहीं करें मुझे ज़्यादा। मैं जितना होता है, मैं कसम से बोलता हूँ, आपके बोले बिना जब आपको मैं सब कुछ डाल के देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि मैं खुद चिंतित रहता हूँ कि मैं क्या दूँ मेरे फॉलोअर्स को। तो प्लीज़ आप अननेसेसरी व्हाट्सअप मत करिए, और तारीफ़ वाले भी व्हाट्सअप प्लीज़ थोड़ा लिमिटेड करिए। क्योंकि ठीक है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है मेरे पास क्या टैलेंट है, तो मैं इसमें मुझे कोई उत्साहित होने की दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडिया में भरपूर टैलेंट भरा हुआ है मेरे अलावा भी, बस वो सामने नहीं आ रहा। आप लोग कुछ ऐसे लोगों को देख रहे होंगे जिन पहले से, और आप लोग उसमें से वो हीरा पहचानने की आप में ताकत नहीं है। तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे अलावा इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यूट्यूब में, बट आपको ढूंढना पड़ता है। क्योंकि अच्छा गुरु ढूंढना और अच्छा गुरु मिल जाना एक बहुत किस्मत की बात होती है। तो चलिए, आज मेरी जो टॉपिक है, इसका नाम है अद्भुत स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन बायर्स यूजिंग ATR एंड बोलिंजर बैंड, वंडरफुल स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन बायर्स। अब मैं ऑप्शन बायर्स को क्यों मानता हूँ? ऑप्शन बायर्स का मतलब क्या हो गया? जो कॉल या पुट दोनों में से कुछ भी बाई करे, ना कि सेल करे। आप लोग को एकदम अगर ऑप्शन की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी जानकारी, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता किसी को जानकारी नहीं है और वो अभी यूट्यूब देख रहा है, तो ऑप्शन एक ऐसा मार्केट होता है कि जहाँ पे कम पूंजी में आप ज़्यादा पूंजी का ख्वाब देख सकते हो। ख्वाब पूरा होगा कि नहीं ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ख्वाब देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका 5,000 ही 1,00,000 बन जाता है एक महीने में, और हुआ है, कई बार हुआ ऐसा, 20-20 गुना पैसा मिला आपको। लेकिन इसका मतलब, अब ऑप्शन में दो कैटेगरी है, एक जो ऑप्शन को पहले सेल करता है, बाद में बाई करता है, या फिर बाई करता ही नहीं है, जीरो होने देता है, तो उसको बोलते हैं राइटर, चाहे वो कॉल ऑप्शन को सेल करो चाहे पुट ऑप्शन को। और एक जो हम लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग, जिनके पास ऑप्शन राइटिंग का पैसा भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन राइट करने का मतलब आपको मार्जिन लगभग एक फ्यूचर्स की देनी पड़ती है, क्योंकि और जब आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदते हो, तो जितना प्रीमियम आप दे रहे हो इनटू जितने की लॉट है, उतना ही पैसा आपको भरना है, और वो ही आपकी मैक्सिमम रिस्क होती है दोस्तों। व्हेन यू बाय ऑप्शन, वेदर इट इज़ कॉल और पुट, योर रिस्क इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम यू आर पेइंग। व्हेन यू बाय ए कॉल ऑप्शन और ए पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का मतलब आप तेजी करना चाह रहे हो, पुट ऑप्शन का मतलब आप मंदी करना चाह रहे हो, पहले तो ये क्लियर हो जाइए। और व्हेन यू बाय ए कॉल ऑप्शन और ए पुट ऑप्शन, द प्रीमियम यू आर पेइंग फॉर बाइंग दैट ऑप्शन इज योर मैक्सिमम रिस्क। मतलब सपोज अभी निफ्टी 9,250 चल रहा है, आपको लगता है निफ्टी 9,500 जाएगा, तो आप 9,400 का कॉल ऑप्शन बाई करते हो, जिसका प्राइस सपोज 150 रुपये है इस मंथ एंड का। तो आप एक्चुअली में आपकी खरीद क्या हो रही है, 9,400 + 150, 9,550 आपका कॉस्ट हो गया, जबकि प्राइस चल रही है 9,250। लेकिन उसमें एक फ़ायदा क्या हो रहा है, आपकी जो रिस्क है वो 150 रुपये से ज़्यादा नहीं है, अगर यहाँ से मार्केट 2,000 पॉइंट भी गिर जाए। लेकिन जिसने उसको बेचा है 150 रुपये में, वो है ऑप्शन राइटर, और उसको एक लॉट बेचने के लिए पहले तो 1,50,000 रुपये का मार्जिन भरना पड़ा, प्लस उसको मिलेगा कितना, वो 150 रुपये ही मिलेगा। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, जितना आपने प्रीमियम भरा वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन उसका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है जो राइटिंग कर रहा है। लेकिन आप जो बाइंग कर रहे हो, आपने जितना प्रीमियम दिया उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता, चाहे मार्केट यहाँ से 5,000 पॉइंट भी गिर जाए। तो मैं हमेशा इस फेवर में हूँ कि ऑप्शन बाइंग करके खेलने का, मेरे को, मैं ऑप्शन को शॉर्ट करके नहीं खेलना चाहता हूँ। मतलब आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑप्शन राइटर। पैसा कमाते हैं, मैं ये नहीं बोला ऑप्शन राइटर पैसा नहीं कमाते हैं, बट उसमें वॉलेटिलिटी चेक रहना पड़ता है। अब जैसे लास्ट मंथ की बात कर ले, मार्च की,
अप्रैल के पहले वाले, तो किसी ने अगर ऑप्शन को पुट ऑप्शन को राइट किया होगा तो उसके कपड़े उपड़े सब उतर गए होंगे अगर उसने कोई स्टॉप लॉस नहीं डाला होगा, क्योंकि उनका जो ऑप्शन राइटर है उनका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है और प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम दे आर गेटिंग वाइल सेलिंग द ऑप्शन। और जो ऑप्शन बायर है उसके लिए क्या फ़ायदा है, द प्रीमियम यू आर पेइंग इज योर मैक्सिमम लॉस यू कैन इनकर बट योर प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं इस स्ट्रेटेजी में मैं ऐसा क्या खोजने वाला हूँ जिससे ये अपने आप में एक चमत्कारिक, ऐसा किसी ने आज तक स्टडी नहीं किया और ये मेरी ट्रेनिंग में मैं पिछले 3-4 महीने या 5 महीने वाले लोगों को सिखाया हूँ, जब से ट्रेनिंग बंद हुई उसके पहले 5 महीने में जो जो आए उनको सिखाया हूँ, उसके पहले ये कभी भी नहीं सिखाया था। तो आज मैं यूट्यूब में इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे लगे कि हर घर वाला बंदा ये सीख ले और कुछ पैसे अपने घर के लिए कन्फर्म तरीके से कमाए। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप थोड़ा सा भी समझ जाओगे तो आपका हारना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। ऑप्शन बाइंग करने के बावजूद आप हारोगे नहीं, लगभग इम्पॉसिबल है लेकिन प्योरली इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए आ जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर करना, क्योंकि मैं आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी फीस यही है कि आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो चलिए सीधा मैं चार्ट पे आता हूँ। अब इसको कैसे स्टडी करना, सबसे पहले आपको charting.com खोलना है। मैं आपको वापस स्टार्टिंग से सिखा देता हूँ चार्टिंग, या आपका जो भी वेबसाइट आप यूज़ करते हो, मैं चार्टिंग यूज़ करता हूँ, बहुत लोग इन्वेस्टिंग यूज़ करते हैं, कोई और करता है, कोई सब अलग अलग यूज़ करते हैं, जिसका जो मर्जी, मैं चार्टिंग के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। आपने charting.com खोला, यहाँ पे अपन लिख देंगे निफ्टी या जो भी स्टॉक का आपका इच्छा है, लेकिन वो ए ग्रुप का होना चाहिए, मतलब निफ्टी 50 का ही स्टॉक होना चाहिए या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी, बस ये 52 चीज़ आप कर सकते हो, इसके अलावा 53वां आइटम बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करने का। निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 का स्टॉक, या फिर वो स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर का स्टॉक जिसमें वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मतलब रोज़ जनता का पार्टिसिपेशन जिसमें बहुत ज़्यादा हो, उसको भी कर सकते हो। तो अब निफ्टी का हमने क्या खोला, यहाँ पे पीरियड को आप 2 ईयर्स कर दीजिए, क्या करिए 2 ईयर्स, और चार्ट का जो रेंज है उसको डेली नहीं रखना, वीकली नहीं रखना, आपको क्या रखना मंथली, ये पहला स्टेप हो गया, अपडेट चार्ट दबा देना आपको। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है उसमें आपको सिलेक्शन करना है, RSI बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है आप लोग का, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक ये सिलेक्ट करना है एवरेज ट्रू रेंज ATR, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं ATR, इसका बाई डिफ़ॉल्ट रहता है 14, पैरामीटर्स कितना रहता है बाई डिफ़ॉल्ट 14, आप तो 14 करके आपका रहेगा ही, बस इसको अपडेट कर देना। तो और अपर ओवरलेज में जाने के बाद आपको क्या करना है, एक और इंडिकेटर सिलेक्ट करना है जिसका नाम है, पहले अपर ओवरलेज पे क्लिक करोगे, फर्स्ट एकदम टॉप में मिलेगा आपको बॉलिंजर बैंड, उस पर भी सिलेक्ट करके आप अपडेट दबा दीजिए। बस इतना काम कर लिया आपने, अब आ जाइए इसकी कैलकुलेशन पार्ट पे। अब आपको ये क्या हो रहा है, नीचे आपको देखो RSI तो दिखाई रहा है, साथ में ATR भी दिखा रहा है, तो ये 14 कैंडल का ATR दिखा रहा है, कितने कैंडल का 14, मतलब पिछले 14 महीने की एवरेज ट्रू रेंज दिखा रहा है। अभी मैं आपको एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है वो समझाने का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसका एक वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा कि ATR होता क्या है, लेकिन अभी हमारी स्ट्रेटेजी का वीडियो है तो हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ये आपके लिए ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में मैं और किसी दिन एक वीडियो डाल के समझा दूंगा। तो 14 हमने 14 कैंडल यूज़ किया बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसका एवरेज क्या आ रहा है 1146। हमने क्या करना है, इसको एक जगह कागज़ पे नोट कर लेना, कितना 1146, ठीक है। आपका पीरियड क्या रहेगा याद रखिएगा, ऊपर का वो ध्यान रखिएगा, आप वहाँ गलती नहीं हो जाए आपसे, ये 2 ईयर्स और ये मंथली, 2 ईयर्स में जबकि 24 महीना होता है तो 14 महीने का एवरेज तो बता ही देगा ये, 2 ईयर्स इसलिए लिया कि वहाँ 24 महीना हो जाता है, और मंथली इसलिए लिया कि एक मंथ की एक कैंडल, मतलब ये एक एक कैंडल जो है वो एक महीने की है, ये करंट वाले मंथ की कैंडल है मई की, मई में अभी तक निफ्टी का ओपनिंग हाई था 9533 और इस महीने में अभी तक का लो है 9116, ठीक है। इसी तरह से पिछले महीने इससे पहले 14 महीने का एवरेज क्या दिखा रहा है,
1146 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर से आपको ATR पे जाना है, लोअर इंडिकेटर्स में, वहाँ पे आप इसको 6 कर दोगे। क्या करोगे, 6, 14 था अब 6, यानी कि पिछले 6 महीने की एवरेज बताएगा। तो फिर नीचे ATR में क्या है, फिगर दिखा रहा है 1420, तो हम इसको भी नोट कर लेंगे 1420। फिर से आप ऊपर जाओगे, इसको 4 करोगे, कितना करोगे, वीडियो को दो बार देख लेना अगर नहीं समझ में आए, 4 कर लोगे इंडिकेटर, और फिर से अपडेट दबा दोगे तो नीचे आ जाएगा 1464। इसको भी नोट कर लिया। अब आखिरी वाला हमारा 3 महीना, कितना, और कुछ और एडवांस में करना तो 2 महीना वाला भी नोट करना पड़ेगा आपको। तो 3 वाला में भी आपको दिखा रहा है 1419। अभी जो मैंने 4 फिगर नोट किए थे, वो पहला था 1146, 1420, 1464, 1419, इनमें सबसे कम है 1146। जो सबसे कम है इन चारों में, 14 महीना, 6 महीना, 4 महीना और 3 महीना, उसको मैं मानूंगा कि उतना निफ्टी इस मंथ में खेलने की काबिलियत रखता है। कितना, 1146 पॉइंट निफ्टी को खेलना ही पड़ेगा ऐसा लगता है मुझे इस महीने में। अभी तक निफ्टी ने कितना प्ले किया है ये कैसे पता करेंगे, इस कैंडल पे आ जाएंगे करंट मंथ की। तो करंट मंथ का हाई लो आप निकाल लो 9533, और ये कार्रवाई आपको हमेशा 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में ही करना है, 10 से 14, न उसके बाद न उसके पहले, 10 तारीख से 14 के बीच में। आप 11 को भी कर सकते हो, 12 को भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना 10 तारीख हो जाए महीने की और 14 तारीख के तक आपको कर लेना है। तो 9533 हाई बना, ऊपर दिख रहा होगा आपको इस महीने का, और 9116, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं आपस में, तो क्या आ जाएगा मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर से फटाफट। 417 पॉइंट अभी तक खेल चुका है निफ्टी। अगर मैं हाई लो का डिफरेंस निकालूं तो अभी तक निफ्टी ने 417 पॉइंट का मूवमेंट, ये गैप डाउन खुला उससे मतलब नहीं, गैप पिछले महीने क्या बंद हुआ उसको गोली मारी है, ठीक है। आप इस महीने का मतलब, इसमें महीना का मतलब एक्सपायरी नहीं होता है, इसमें महीने का मतलब होता है महीने की 1 तारीख से लेकर महीने की 31 तारीख तक का जो भी अप डाउन हुआ, ठीक है। पिछले महीने में कितना अप डाउन हुआ आप देखिए, 9889 का हाई है, 8055 का लो है, यानी कि 1850 पॉइंट का अप डाउन हुआ, ठीक है। तो इस महीने हम कितना एक्सपेक्ट करें, कम से कम भी 1150 पॉइंट होना चाहिए, और ऑलरेडी कितना हो चुका है 417, ठीक है। अब करंट का भाव क्या है, जो कल क्लोज हुआ वो भाव क्या है, 9251, ये आपको पता है। तो आप NSE की वेबसाइट में जाइए, पुरानी वाली पे, पुरानी वाली में क्या करना पड़ता है आपको, www के बाद 1 लगा देना पड़ता है, तो पुरानी वाली वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है, NSE इंडिया। अब इसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स में आ गए आप, ठीक है, ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है। तो अभी 9250 पे बंद हुआ है, तो हमको नियर वाला 100 का कॉल या पुट लेना है, ठीक है। तो नियर वाला 100 क्या है, 9300, तो 9300 का पहले तो मैं कॉल का प्राइस देख लेता हूँ कितना है। लास्ट कॉल का प्राइस आ रहा है 328 रुपया, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। अब पुट का प्राइस भी देख लेता हूँ, ये पुट का है क्या, 9300 का पुट का है, सॉरी, ये मैं कॉल का भी अब देख लेता हूँ 9300 का, ठीक है, वो आ रहा है 262। तो 262 प्लस 328, 590 रुपये हमारी लागत आ रही है। अगर मैं एक लॉट कॉल और पुट दोनों ले लूँ 9300 की स्ट्राइक प्राइस का बाई कर लूँ, तो मेरी लागत कितनी आ रही है, 590 पॉइंट्स, 590 इंटू 75, लगभग 44,000 रुपये चाहिएंगे मुझे, कितना, और मैं बोलता हूँ इस सौदे में गारंटीड प्रॉफिट होगा, ऑलमोस्ट गारंटीड, गारंटी वर्ड तो यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑलमोस्ट गारंटीड, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी ने कितना खेला है, 417 पॉइंट ऑलरेडी अभी तक 10 तारीख तक, क्योंकि मार्केट कल खुलेगा, और अभी इसमें एक्सपायरी में 28 तारीख तक का टाइम है, आपको पता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसी चीज़ है जो आप लास्ट डेट तक रख सकते हो ऑप्शन में,
क्योंकि आजकल ऑप्शन में एक नियम क्या आ गया कि एक्सपायरी के पहले वीक वाला फ्राइडे तक आपको माल काटना पड़ता, नहीं तो जो एक्सपायरी वीक में अगर आपका कोई भी स्टॉक ऑप्शन में कुछ भी लिया हुआ है तो फिर उस पर मार्जिन बढ़ जाता है एवरी डे, ये आपको पता ही होगा। तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है, वो लास्ट डेट तक आप बिना बिंदास रख सकते हो। तो निफ्टी में आपने ले लिया, कितना कॉस्टिंग पड़ा आपका 590, ऑलरेडी 400 पॉइंट खेल चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं 700 पॉइंट इसको, 600-700 पॉइंट खेलना है इसको, और हमारे पास दोनों साइड का कॉल पुट है, यानी कि एक साइड तो बढ़ना या घटना पक्का है ना। तो इसमें क्या होगा, दो चार दिन आपको रुला भी सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एक ही रेंज में रहेगा वहाँ पे प्रीमियम घटता जाएगा, ठीक है, दोनों साइड का, क्योंकि टाइम डिके फैक्टर होता है कॉल ऑप्शन में। तो आपने स्टडी क्या किया कि अभी तक इसको हमने देखा कि सबसे मिनिमम इसको ये बता रहा कि 1200 पॉइंट खेलना बाकी, टोटल खेलेगा उसमें से 400 पॉइंट खेल चुका है, यानी कि 700 पॉइंट की मूवमेंट तो अभी भी बाकी है, ये तो आपको पता चल गया। अब 700 पॉइंट मिनिमम, वो मिनिमम हो सकता है बहुत ज़्यादा भी खेल जाए। तो अब हम लोग 700 पॉइंट को कैसे गिन सकते हैं, या तो ये ऊपर की तरफ भी खेल सकता है या नीचे की तरफ भी। तो नीचे का लो क्या है, ऊपर का हाई क्या है अभी तक का 9550, वहाँ से अगर मैं 700 पॉइंट जोड़ लूँ तो कितना जा सकता है निफ्टी, 10200 भी जा सकता है, ठीक है। और या फिर नीचे का, मैं नीचे का लो से 700 पॉइंट जोड़ लूँ, क्योंकि इसको पूरा अपना रेंज पूरा जरूर करना पड़ेगा, चाहे वो नीचे की तरफ जाए चाहे ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, इसको खेलना 1200 पॉइंट पड़ेगा ही पड़ेगा। और या ऐसा भी हो सकता है कि ये 800 का हाई बना दे, फिर नीचे की तरफ ये 8900 आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई भी पॉसिबिलिटी हो, अगर आपको प्रीमियम जितना खेलना बाकी है उसका आधा में मिल जाए दोनों साइड का, तो हमको अभी प्रीमियम कितना में मिल रहा है, 590, तो ये लेना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका खेलना बाकी कितना है, अभी ऑलरेडी 400 पॉइंट खेल लिया, 800 पॉइंट ही बाकी है, तो ये मुझे नहीं लगता सही है, तो मैं निफ्टी अवॉइड कर दूंगा इस कैलकुलेशन से, मुझे ये पता चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना इसको खेलना बाकी है, हमने क्या निकाला कि 1146 पॉइंट मिनिमम खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि हमने चार तरीके के डाटा चेक किए, 14 महीना की एवरेज आ रही थी 1146, 6 महीना की आ रही थी 1420, 3 महीना की आ रही थी 1464, तो हमको तो ये मानना पड़ेगा सबसे घटिया टाइम चल रहा हमारा ये 1146 पॉइंट ही खेलेगा, तो उसमें से 400 पॉइंट तो खेल चुका, खाली 700 बाकी है। तो अगर इन दोनों का मिला के प्रीमियम 350 होता या 400 तक भी मैं मान जाता, लेकिन ये 590 मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं लॉस करा सकता है, तो मैं इसको नहीं लूँगा। तो चले बैंक निफ्टी चेक कर लेता हूँ इसकी जगह, यही फॉर्मूले पे। तो ये डिसीजन भी आप ले सकोगे कि आपको लेना कि नहीं दोनों साइड का कॉल पुट। अब बैंक निफ्टी का पहले तो मैं 14 महीने का देख लेता हूँ ATR, तो यहाँ पे मैं 14 कर दूंगा ATR को वापस, तो यहाँ पे वापस लिखना स्टार्ट करता हूँ। 14 महीना का ATR क्या आ रहा है, 3769, कितना आ रहा है 37। इनमें से सबसे लोएस्ट वाला को लेना है मुझे काउंटिंग के लिए। उसके बाद आ गया 6 महीना, वैसे आप स्टॉक में भी करके चेक कर सकते हो, 6 महीने का दिखा रहा है 4572, 4 महीना 4664, 3 महीना। फिर आपको प्रीमियम भी चेक करना पड़ेगा कि उतना मैं चुका रहा हूँ उसके अगेंस्ट में मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं। तो जैसे निफ्टी में मुझे दिख रहा है रिटर्न मिल भी जाए, रिटर्न कब मिलेगा, जब अगर ये 1400-1500 पॉइंट खेलता है तब पक्का रिटर्न मिलेगा, लेकिन हमने एक बार देखा कि 14 महीने की एवरेज तो इसकी 1146 दिखा रही है, क्या पता इतना खेल जाए तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। और इसमें एक फ़ायदा कि आप दोनों तरफ में हो, मूवमेंट की दोनों तरफ में हो, कॉल भी आपके पास है पुट भी आपके पास है, मतलब लंबा घाटा तो हो ही नहीं सकता इसमें। तीन महीना का दिखा रहा है 4501, तो 3769, 4572, 4664,
तो हम मान सकते हैं 3769 पॉइंट तो इसको खेलना ही चाहिए, यानी कि 3800 पॉइंट मिनिमम राउंड फिगर में हम लिख लेते हैं 3800 पॉइंट, जो 14 महीने की एवरेज थी। अब इस महीने में अभी तक इसने कितना खेला है वो कैसे पता चलेगा, इस कैंडल पे हम कर्सर को लाएंगे इस करंट मंथ की, और ये प्रक्रिया आपको 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में करनी है। तो इस महीने का अभी तक का ही है 20530 और लो है 18941, तो कहीं ना कहीं 20530 प्लस माइनस 18941 1590 पॉइंट खेल चुका है, 1590 पॉइंट खेल चुका है 3800 पॉइंट में से, जो खेलना हमने हमने तय किया है 3800 माइनस 1590, मोटा मोटा 2200 पॉइंट खेलना बाकी है, 2210। अब हम आ जाते हैं इसके प्रीमियम चेक कर लेते हैं, करंट प्राइस जो फ्राइडे की क्लोज हुई वो कहाँ पे हुई, 19350। तो हमको नियरेस्ट क्या दिख रहा है, 19400 का कॉल पुट, ठीक है, इस मंथली वाला देखते हैं क्या आ रहा है। चार सौ का कॉल ऐसे नहीं करना चाहता, कि क्या पता यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर से मैं इसमें ऑप्शन में जाता हूँ, इंडेक्स ऑप्शन, और 19400 का कॉल देखता हूँ, उन्नीस चार सौ का कॉल दिखा रहा है 850 रुपया, और 19400 का पुट भी देख लेते हैं, वो तो काफ़ी दिखा रहा होगा यार, मतलब वो मैं 50% बोला ना, वो 70% तक भी हो तो आपको ले सकते हो, जितना आपको खेलना बाकी है और जितना आपने प्रीमियम देना है 977। पॉइंट तो इसमें तो हम 1827 पॉइंट का इन्वेस्टमेंट करें और हमको मैक्सिमम मिल सकता है 400 पॉइंट, अगर ये इतना ही खेला तो ये तो रिस्की वाला मामला है, बहुत ज़्यादा इसका परसेंटेज हो गया, 70% होना चाहिए था 2210 का, तो इसका प्रीमियम अगर दोनों साइड का मिला के 70% होता, 1500 के आसपास होता तो ये वायबल था, तो इसका भी प्रीमियम ज़्यादा है। अब इसमें तो फिर आपको मुश्किल हो गया दोनों में लेना, ये तब आपको फ़ायदेमंद हो सकता था कि अगर ये 14 जो हाईएस्ट इसने खेला जैसे 4500 पॉइंट खेल जाए, लेकिन वो तो हम सपने में नहीं चल सकते ना, हमको तो कैलकुलेशन पे चलना है, तो ऐसा कोई स्टॉक ढूंढते चलिए, स्टॉक में खाली बस यही है प्रॉब्लम कि वो फिर आप एक्सपायरी वीक में रखते हो तो मंडे से मार्जिन थोड़ी सी बढ़ जाती है उसकी। चलिए स्टॉक ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, सपोज हम जो ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल RBL बैंक, ठीक है, उसका निकाल के देखते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी खूब, या फिर हम लोग TCS भी देख सकते हैं, TCS ज़्यादा बेटर है, बहुत वॉलेटाइल है, चलिए उसका देखते हैं, तो उसका भी देखते हैं हम लोग, TCS का यहाँ पे चार्ट देखते हैं मंथली में, फिर बोलिंजर बैंड का भी यूज़ बताऊंगा मैं आपको। तो TCS का मैंने अगर 14, पहले तो मुझे क्या करना है ATR में 14 कर लेना, तो 14 महीने का पहले एवरेज देखता हूँ क्या आ रहा है, वो आ रहा है 275, बहुत कम आ रहा है भाई, चलिए फिर भी देखते हैं, 6
इन दिनों में वोलेटिलिटी बढ़ी है ना, 6 महीना 295, अब 4 महीना का भी देख लेते हैं। इसमें बहुत ही नज़दीक नज़दीक सेम ही चल रही है, और 3 महीना और देख लेते हैं हम लोग, 270, यानी कि हमको 270 मान के चलना है, इसको खेलते हैं, और अभी तक कितना खेला है वो देख लेते हैं हम लोग। अभी तक खेला है इसने 1977 1883, 1977 माइनस 1883 94 पॉइंट्स खेला है और 270 पॉइंट खेलता है, 94 पॉइंट्स खेला है 270 पॉइंट खेलता है लोवेस्ट में, क्योंकि हम उतना कैलकुलेशन कर लिए। अब ये कल क्लोज कहाँ पे हुआ, फ्राइडे को 1893 पे, यानी कि 1900 का हमको कॉल पुट देखना है। क्या देखना है, तो यहाँ पे हम TCS का, सॉरी लगा हुआ है TCS मेरा, ऑप्शंस 1900 का मैं कॉल ऑप्शन देखता हूँ। 1900 का कॉल ऑप्शन कितना आ रहा है, 70 रुपया, और 1900 का पुट ऑप्शन भी देख लेता हूँ, 80 होगा। वो भी 72, तो यानी कि 140 रुपये चुकाना पड़ेगा आपको, 142 प्लस 94 प्लस 142 236 और 270। TCS आप आंख बंद करके कॉल पुट ले लीजिए 1900 का, आपका लागत होगा 140। स्टॉक में आपको वो नियम नहीं लगाना है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में लगा रहा है, 80% तक भी अगर आपको लग रहा है, 80% भी, मैं 70 बोला था ना, मैं तो 90% तक भी लेता हूँ उसको, लेकिन मैं सेफ साइड में बोल रहा हूँ। तो अभी आपका टोटल ये खेलता है 270 पॉइंट, सॉरी हाँ, और उसमें से खेल चुका 94, तो इसको खेलना बाकी 176 पॉइंट। और आपका प्रीमियम अगर आप करंट प्राइस पे ले रहे हो तो आपका दोनों साइड का प्रीमियम 142 रुपये लग रहा है, तो 34 रुपये फिर भी बचेगा आपको। और अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा खेल गया तो आप लाल, और प्लस आपके पास दोनों साइड का है, तो अब TCS में क्या होगा अगर हम 1900 का कॉल पुट ले लेते हैं, तो TCS का चार्ट से हम दिमाग लगाते हैं, इसको 170 पॉइंट या तो ऊपर जाना या नीचे जाना, तो या तो ये कुछ 2200 के आसपास का हाई बनाएगा 1977 प्लस 170, या फिर नीचे का 1883 माइनस 170 जाएगा। कहीं पे भी जाओ आपका, और एक ऑलरेडी आपका एक साइड तो चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसका रिजल्ट निकालोगे ना, तो आपको 100 में से 90% कन्फर्म। आप कोई भी ले लो, मैं तो ये आपको सेफ साइड में बताया हूँ कैलकुलेट करने का, लेकिन 10-11 तारीख के बाद आप कभी भी ले लो, तो आप 100 में से 95 बार आपको कन्फर्म है कि आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, चाहे वो 15% का हो, चाहे 20% का हो, चाहे 40% का हो, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन करना ठीक रहता है, क्योंकि कई बार प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है। अब इसमें एक और तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग बॉलिंजर बैंड। तो उसको क्या कैसे निकालेंगे हम, तब यहाँ पे हमको डेली चार्ट खोलना पड़ेगा, मतलब जितना खेलना बाकी है अगर उससे दोनों साइड का प्रीमियम कम लग रहा है, सिंपल भाषा में आप 80-90% भूल जाइए, उससे थोड़ा भी कम लग रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप 80% तक ले सकते हो, और स्टॉक में उससे कम लग रहा है तो आपको डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उनमें से भी जो 6 महीना 14 महीना में लोवेस्ट वाला को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा इतना खराब लग नहीं कि इतना कम ही खेलेगा वो। अब आ जाइए, हमको डेली चार्ट में जाना है, इसको 6 मंथ्स और इसको डेली कर देना, तब ये बॉलिंजर बैंड का काम आएगा। अब बॉलिंजर बैंड में क्या होता है कि आप इस समय जब TCS का लेना वाले हो, तो इस समय TCS कौन सी जगह पे है, बैंड के अपर साइड में ज़्यादा है ना, तो इसको हम ज़्यादा बेटर अभी रिलायंस से देख सकते हैं। अभी मैं TCS से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ,
रिलायंस में आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर अभी रिलायंस में लेते हो आप कॉल पुट दोनों, तो उसमें एक बेनिफिट बता रहा हूँ। तो रिलायंस देखिए आपको बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे है, और सबसे बड़ी बात क्या ये जो बीच की 20 सिंपल मूव 20 SMA की लाइन है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन, इसको काटने के बाद काफ़ी दिन हो गया इसको छूने नहीं है। मतलब कोई भी हालत में रिलायंस एक बार तो 1350 इसी महीना में आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक बार 1360 या 50 तो आएगा। ये लाइन रोज बढ़ती जाती है, ऊपर नीचे होती है, तो मैं 1360 मानता हूँ। तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, रिलायंस एक बार इस महीने में 1360 आएगा। क्योंकि आप देखो ये कितना भी तेज हो जाए या मंदी हो जाए, एक बार वापस 20 EMA को छूने आता ही है। यहाँ देखिए जिस दिन 20 EMA के नीचे आ, ऐसे 20 SMA के नीचे आ गया, उसके बाद काफ़ी दिन रहा, लेकिन अल्टीमेटली इसको छूने आया है। और वैसे यहाँ काटने के बाद काफ़ी दिन इससे ऊपर रह चुका है, अब इसको छूने आना ही पड़ेगा इसको। तो हो सकता है ये लाइन ऊपर जाती जाए तो 1370 हो जाए, लेकिन आना पड़ेगा इसको। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या, आपको एक तो बॉलिंजर बैंड आपको क्या बता रहा है कि बैंड के ऊपर एंड में, और इसका चांसेस ज़्यादा नीचे जाने का। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो जो करंट प्राइस है जैसे 1560, तो 1550 का कॉल ले पुट ले सकते हो, और 1600 का कॉल ले सकते हो सेफ्टी के लिए। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग कि इसका प्राइस क्या है, 1550 और 1600। तो बॉलिंजर बैंड से ये अंदाज़ा लगा सकते हो जब आप ले रहे हो वो स्टॉक एक्चुअली में कहाँ है, तब आपको सेम स्ट्राइक प्राइस लेने के बजाय एक में आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो, क्योंकि आपको पता कि अब बैंड के अपर एंड पे या नीचे पे। तो रिलायंस, हम रिलायंस में देखने की कोशिश करते हैं 1550 का पुट, और ये आपके लिए मैं टिप ही दे देता हूँ इसको, ये गारंटीड प्रॉफिट वाला कॉल आपको दे रहा हूँ महाराज, मैं यहाँ पे गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। चलिए दिखाता हूँ, इसमें प्रॉफिट होना गारंटीड है, मैं लिख के दे रहा हूँ 1550 या 1560 का ले लो, क्योंकि हम मंदी में हैं। तो 1560 का पुट कितना आ रहा है, 66 रुपीस, लिख लो आप लोग 66। और कॉल 1600 का कितना आ रहा है, मैं साबित करूँगा कि रिलायंस क्यों गारंटीड प्रॉफिट होगा। और कॉल कितने का आ रहा है, 1600 का, यहाँ 1600 को ले रहा हूँ, सेम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मंदी दिख रही है, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड के आसपास, अपर बैंड के आसपास चल रहा है, और काफ़ी दिनों से 45 रुपीज़, 66 प्लस 45, यानी कि मैं 1560 का पुट ले रहा हूँ और 1600 का कॉल ले रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट लग रहा है 66 प्लस 45, यानी कि 111 रुपये टोटल कॉस्ट लग रहा है, आप लिख लीजिएगा 111 रुपये। ठीक है, अब रिलायंस का 111 रुपये लग रहा है, प्लस चार्ट हमको क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी ये काफ़ी दिन 20 SMA के ऊपर है और बैंड के हायर एंड पे है, तो इसको एक बार चांसेस ऊपर जाने के बहुत कम हो जाते हैं, नीचे आने के ज़्यादा। क्योंकि देखो यहाँ जैसे ये नीचे आया था तो बैंड के लोअर एंड पे आ गया, और काफ़ी दिन हो चुके थे, तब इसके बाप को आना पड़ा इसको छूने के लिए। ठीक है, वैसे ये इसको भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, अगर यहाँ पे होता तो मैं नहीं बोलता कि ये कन्फर्म नीचे आएगा, अब इसके बाप को आना पड़ेगा 1370 या 80 तक। तो समझ में आया, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाप को आना पड़ेगा, समझ में आया। तो 2-3 दिन और नाच नचा सकता है, लेकिन इसके पिताजी, इसके दादाजी को भी आना पड़ेगा इस 20 SMA को। तो बॉलिंजर बैंड एक मैजिकल चीज़ है, कोई भी चीज़ अपने 20 SMA से काफ़ी दिन तक अगर दूर है तो वापस वहाँ तक तो आएगी आएगी। तो 20 SMA का प्राइस कहाँ दिख जाता है आपको, यहाँ पे। तो इसकी 20 SMA की अभी प्राइस क्या है, 1347। हो सकता है रोज, क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज है। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, एक होती है एवरेज और एक होती है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब पिछले 20 दिन की एवरेज। ठीक है, अब इसमें कल का अगर 11 तारीख को ट्रेड हो जाएगा तो उसके बाद वो पिछले 20 दिन किसको गिनेगा, 11 तारीख से लेके पिछले 20 दिन को, इसलिए उसको बोलते हैं मूविंग। और एक सिंपल एवरेज क्या होती है कि बस आपको 20 दिन का प्राइस पता है, उसका एवरेज निकाल लिया, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। लेकिन ये मूविंग है, इसीलिए सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। मूविंग मतलब हर दिन जैसे एक नया दिन आएगा तो अब वो उस नए दिन को प्लस पिछले 19 दिन को काउंट करके एक एवरेज निकालेगा। ठीक है,
ये कहीं ना कहीं 1370 तो आप अनडिस्प्यूटेडली लिख लीजिए, एक बार तो एक बार इस महीने में इसके पिताजी को आना पड़ेगा, भले ही 1650 भी चल जाए। तो अब इस काम ने क्या निकाला कि हमारा टोटल कॉस्ट पड़ रहा है इसका 66 प्लस 44, अगर मैं 1560 का पुट ले रहा हूँ और 1600 का कॉल, ठीक है, तो हमने बोलिंजर बैंड की भी सहायता ली। अब इसमें हम लोग इसका चेक करते हैं वो 14 महीना 6 महीना में कितना खेल रहा है, ताकि हमको और कंफर्म हो जाए। तो वापस हम इसको क्या करेंगे, मंथली चार्ट और 2 ईयर्स, ठीक है, और फटाफट चेक कर लेंगे 14 महीना में कितना दिखा रहा है, 277, ठीक है। एक बार मैं माइंड में जो सबसे लोवेस्ट होगा मैं वो गिन लूँगा, 14 महीना 277, 3 महीना 277, गजब है यार, 6 महीना, ठीक है, और ये अपडेट नहीं हो रहा क्या, ओ कोई नेट का प्रॉब्लम हो, सॉरी सॉरी, टू सेवेंटी टू, चले 272, 4 महीना 281, तो हम मान के चलते 272 पॉइंट खेलेगा ये मिनिमम। और ऑलरेडी इसने कितना खेल लिया इस महीने में, 1417 और 1560, तो ये तो अपना खेल खेल चुका है, ये खेल तो खेल चुका है लगभग। तो यहाँ पे भी आपको ये ना कर रहा है, लेकिन हमको बॉलिंजर बैंड एक टेक्निक क्या बता रहा है कि इसका चांसेस बहुत ज़्यादा कंफर्म है कि ये नीचे आएगा, है ना। यहाँ वो ATR की टेक्निक काम नहीं कर रही, लेकिन बॉलिंजर बैंड हमको डेली चार्ट में क्या बता रहा है कि इस समय, क्योंकि पूरा महीना बाकी है, अभी 20 दिन के महीना बाकी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। वैसे आप इसमें स्टॉक कौन से ज़्यादा चेक करना, RBL बैंक मैं आपको बताता हूँ, मारुति, ये सब ज़्यादा वोलेटाइल है, RBL, मारुति और इंडसइंड बैंक, TCS, ये सब आप हर 10-11 तारीख को अगर लेके देखोगे तो इनमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, और ये रिलायंस भी अभी तो ये स्ट्रेटेजी को और डिटेल में एक दिन में और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज इसको समझाने में मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना, क्योंकि कोई स्टॉक ऐसा निकला नहीं अभी तक, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, लेकिन स्टडी का जो मेन निचोड़ है वो मैं समझा दिया आपको। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, इस टेक्निक को यूज़ करके आप करिए, कहीं पे भी आपको जितना खेलना बाकी उससे अगर प्रीमियम कम देना पड़ रहा है तो भी आप प्रॉफिट में निकलोगे, बस पेशेंस लेवल रखना, रोज़ प्रीमियम घटेगा दोनों साइड का, आपको घबराना नहीं है, चुपचाप बैठे रहना, क्योंकि एक दिन बड़ा मूव देना ही है उसको किसी भी साइड दो। तो रिलायंस में हमको एक बेनिफिट क्या, हमको पता है कि ऑलरेडी है किस तरफ खेल चुका है, चलिए हम निफ्टी का भी इस तरह से देख लेते क्या है, वो अपनी 20 EMA से कितना ऊपर चल रहा है। तो निफ्टी देखिए 20 SMA को अभी अभी टच किया, लेकिन कहीं ना कहीं 20 SMA पे सपोर्ट लिया, तो निफ्टी तो बहुत आसानी से 9700 तो बहुत आसानी से जा सकता है, और नीचे में आपको 8750 भी आ सकता है अगर इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये निफ्टी यहाँ से इस दिन इसने 20 SMA को तोड़ा, और उसके बाद कितने दिन इससे दूर रहा, लेकिन अल्टीमेटली इसको छूने आया कि नहीं, वैसे अब काफ़ी दिन से इसके ऊपर दूर रहा तो इसको छूने आ गया। अब ये 20 SMA एक बेंचमार्क होता है बोलिंजर बैंड का, इसके दोनों साइड का जो मूवमेंट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2, उसको अपर बैंड और लोअर बैंड बोलते हैं, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि बोलिंजर बैंड क्या होता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, दोनों साइड का अगर आप कॉल पुट कभी भी लेकर खेलोगे, प्लस आप खाली प्रीमियम को चेक कर लोगे कि जितना खेलना बाकी उससे कम प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि अभी का ऐसा मार्केट है बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो सकती है कभी भी, तो आपको नुकसान होने का चांस कम है, और अगर कभी नुकसान हुआ भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि एक साइड तो आपकी चलने वाली है ही, और आप जब भी एक अकेला कॉल या पुट लेते हो तो आप क्या करते हो, एक रिस्क का
तलवार अपने ऊपर लटका लेते हो, क्योंकि जैसे रिलायंस में सबने पुट लेते गए, अब रिलायंस गिरेगा, लेकिन आपका पुट क्या हुआ, अगर आपने 60 रुपये में लिया, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 20 रुपये हो गई, तो गिरते गिरते भी आपका अब अगर मार्केट गिरेगा भी रिलायंस का, तो आपका पुट मुश्किल से 50 पहुंचेगा आपकी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इतना मैं कंफर्म बोल सकता हूँ यूट्यूब पे आज कि 1370 रुपये तक रिलायंस को इन एनी केस इसी महीने में आना है, और मैं तो अगले 10 ट्रेडिंग डेज में चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।